हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। सो अगेन दिस इज़ कमलेश एंड चलो मैं आज आपको घुमाने वाला हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टेंपल। जो मंदिर आज मैं आपको घुमाने वाला हूँ ये बहुत प्यारा सा है, बहुत क्यूट सा है, बहुत पुराना है। एंड इस मंदिर का नाम है चंगेवटेश्वर टेंपल। एंड ये टेंपल जो है ये आता है हमारे सासवड के पास में। सासवड से हार्डली 2 से 3 किलोमीटर दूर होता है ये सासवड जो सिटी है वहाँ से। एंड मंदिर के पास का जो व्यू है बॉस बहुत औसम है। रोड मेन रोड से थोड़ा सा अंदर में होता ही है, जैसे कि आप सासवड से हमारे नारायणपुर का रोड टर्न मारते हो तो उस रोड के ऊपर आपको थोड़ा सा आगे आना है 1 से 1.5 किलोमीटर। उसके बाद में आपको आपके जैसे आप अगर से सासवड से आ रहे हो तो आपके राइट साइड में आएगा, अगर से आप नारायणपुर की तरफ से आ रहे हो तो आपके लेफ्ट साइड में आएगा ये मंदिर। एंड ये एक छोटा सा गांव है, उसके साइड में कुछ होता है। एंड मंदिर के पास का व्यू कुछ ऐसा है बॉस, आपको बहुत ब्यूटीफुल जैसे ट्रीज वगैरह देखने को मिलेंगे। एंड मंदिर के साइड में आप देखोगे तो सामने आपको इस तरह से पूरा पार्किंग स्पेस मिलेगा, जहां आपके 2-व्हीलर 4-व्हीलर आप इजीली पार्क कर सकते हो। एंड इसके अलावा यहां पर वॉशरूम वगैरह की फैसिलिटी अवेलेबल है। एंड नेक्स्ट यहां से जैसे आप आते हो तो यहां मंदिर आप जैसे यहाँ से हमारे मंदिर का एंट्रेंस होता है। सो फॉर एग्जांपल जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हो तो ये पीछे का रास्ता है एंड यहाँ से हमारे पीछे मंदिर में एंट्री करने का रास्ता है। और मंदिर का एंट्रेंस कुछ ऐसा होता है जो बहुत ही ब्यूटीफुल था है। एंड यहाँ का जो व्यू है बहुत औसम है। एंड मंदिर के अंदर जाने के पहले आपको आपके शूज़ रिमूव करने पड़ेंगे, अंदर शूज़ अलाउड नहीं है। आपको बस फोटोज़ निकालना है, वीडियो निकालना है तो पहले आपको पंडित से परमिशन लेनी पड़ेगी, जो भी यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन उनसे हमें परमिशन लेनी पड़ती है, उसके बाद में ही हम अंदर जा सकते हैं। हाँ, बाहर में कुछ नोटिस बोर्ड वगैरह लगे हुए हैं, सब कुछ है। तो लेट्स गो देयर एंड एक्सप्लोर द ब्यूटी ऑफ द चंगेवटेश्वर टेंपल एंड कीप वॉचिंग कमलेश। सो यहाँ से हमारे चंगेवटेश्वर मंदिर का टेंपल का जो एंट्रेंस से स्टार्ट होता है तो यहाँ एक छोटा सा बीच टाइप का है, जो बारिश का पानी वगैरह जाने के लिए ये छोटी सी रिवर टाइप की कुछ है जो कि अभी सूखी पड़ी हुई है। एंड जैसे हम मंदिर के इस ब्रिज को क्रॉस करते हैं तो हमारे राइट साइड में एक छोटा सा स्पेस है जहाँ पर 2 चेयर लगे हुए हैं। एंड सिटिंग स्पेस बहुत अच्छा है, नीट है, क्लीन है। एंड इसके अलावा जैसे हम यहाँ आते हैं तो हमें राइट साइड में यहाँ पर एक छोटा सा स्पेस दिखता है। यहाँ एक छोटा सा हच टाइप का मंदिर बना हुआ है जो कि हमारे भगवान शिव की यहाँ पर पिंडी वगैरह रखी हुई है। एंड ये कुछ ऐसा है बहुत ब्यूटीफुल था, सामने एक छोटा सा ट्री है। एंड वैसे हम टेम्पल के लेफ्ट साइड में देखते हैं तो यहाँ में एक तुलसी का ये रखा हुआ है जो कि बहुत क्यूट सा है, बहुत प्यारा सा है। एंड इसके साइड में आपको नोटिस बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ये सारी डिटेल दी हुई है। साइड में चेयर है, उसके साइड में आपको शूज स्टैंड मिलते हैं जहाँ पे आप आपके शूज़ वगैरह रख सकते हो। एक साइड में गार्डन टाइप का दिया हुआ है जहाँ पे पूरा रास्ता है। एंड यहाँ से हमें अंदर जाना है, पुजारी का मोबाइल नंबर दिया हुआ है, वहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है। ये सारी डिटेल हमारे मंदिर के बाहर की है। एंड अगेन ये हमारे बाहर का रास्ता है जहाँ से कि हम बाहर जाते हैं। सामने पार्किंग स्पेस है, सामने ही आपको वॉशरूम वगैरह मिल जाएगा। सो यहाँ से हमारा मंदिर चालू होता है एंड जब आप मंदिर के अंदर जाते हैं बड़ा ही क्यूट था, बहुत पुराना सा स्ट्रक्चर है। यहाँ का जो व्यू है ऊपर आते तो यहाँ हमें गणपति जी का छोटा सा बना हुआ था। यहाँ से हम मंदिर की सीढ़ियाँ हैं जो कि बहुत पुराने पत्थरों की है। एंड जैसे मंदिर के अंदर एंट्री करते हैं तो यहाँ से कुछ हमें इस तरह से व्यू मिलता है पूरा, जो कि बहुत ब्यूटीफुल और बहुत पुराना सा है। एंड सामने हमारे एक दीपम पर ये है पूरा। एंड ये रहा हमारा रास्ता जहाँ से हम अंदर आए थे। एंड हमारे लेफ्ट राइट दोनों तरफ में 2 कॉलम होते हैं। एंड ये बहुत ब्यूटीफुल सा स्ट्रक्चर है। ये पहला मंदिर होता है जो कि सावन 2018 में बनाया गया है। ये कुछ ऐसा होता है। सेकंड में हम जब यहाँ से आगे आते हैं तो एक छोटा मंदिर यहाँ और होता है
मंदिर की सीढ़ियाँ होती है यहाँ पे भी दिया हुआ है। लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पे हमारे एक छोटे से संकटराम का मंदिर होता है, सामने नंदी जी हैं एंड यहाँ से हमारी मूर्ति होती है, ये बहुत ही प्यारे प्यारे से छोटे छोटे से स्ट्रक्चर मंदिर दिए हुए हैं एंड थर्ड वन वी हैव द हनुमान जी, ये हमारे हनुमान जी का मंदिर है जो कि ये बहुत पुराने वर्ष इनके बनावट देख के ही हमें पता चलता है कि ये कितने पुराने हैं। यहाँ हमारे साइड में शेषनाग जी हैं, ये एक्चुअली शेषनाग है, डॉल्फिन भी है, सिर्फ पत्थर रखा हुआ है, ये शेषनाग हैं एंड इसके अलावा यहाँ से ये हमारे बैक साइड का होता है एंड ये हमारे मंदिर के बैक साइड का पूरा स्पेस है। तो यहाँ से हम जैसे आए थे ये हमारे मंदिर से जैसे सीढ़ियों से मंदिर आते हैं वहाँ का है, ये पूरे बैक साइड का स्पेस है एंड जैसे ही हम यहाँ पूरा आते हैं तो हमारे मंदिर के आपके लेफ्ट साइड का ये पूरा स्पेस होता है, वहाँ बीच में एक मंदिर का ये पेड़ है जो बहुत ब्यूटीफुल था एंड सामने फिर से वही दीपम जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया एंड इस पार से ये हमारा पूरा ह्यूज टेम्पल है बॉस, बहुत बड़ा है एंड बहुत पुराना है। यहाँ से सीढ़ियाँ लगी हुई है मंदिर के ऊपर चढ़ने के लिए, जो कि हमें ना नॉर्मली हम लोगों को नहीं चढ़ना है, जो चढ़ने वाले हैं बस वही चढ़ सकते हैं एंड मंदिर की एक साइड में रिवर होती है, इधर साइड में खाली जगह है, उधर मंदिर है, रिवर है, रिवर के साइड में मोर वगैरह ये बोल रहे हैं एंड ये रहा मंदिर बॉस, बहुत ब्यूटीफुल था एंड ये हो गया हमारा राउंड पूरे मंदिर के बाहर का चारों तरफ का। इसके बाद में हम जाएंगे मंदिर के अंदर, में मंदिर के अंदर जाकर मंदिर को रिव्यू करेंगे कि कैसे होता है। सो फाइनली ये हमारे मंदिर के चारों तरफ का राउंड हो गया जो मैं आपको दिखा दिया है एंड चारों तरफ का व्यू, तो मंदिर के बाहर का जो स्ट्रक्चर है बहुत पुराना है, बहुत ब्यूटीफुल है एंड एकदम अमेजिंग थिंग्स है। अगेन ये हमारे बाहर के साइड आ गए हम एंड सो लेट्स गो गाइस इनसाइड द टेंपल एंड एक्सप्लोर ब्यूटी ऑफ इट। सो गाइस ये हमारे मंदिर के बाहर का है, ऊपर गणपति जी की मूर्ति रखी हुई है एंड यहाँ पर जैसे हम आते हैं तो यहाँ से सीढ़ियाँ होती है जैसे हमें अंदर चढ़ना है एंड अंदर चढ़ते हैं तो यहाँ पर सामने हमारे नंदी महाराज की मूर्ति होती है। जो स्ट्रक्चर है बॉस ये बहुत पुराना, बहुत ब्यूटीफुल, एकदम ह्यूज है, पुराने एकदम पत्थरों से बना हुआ मंदिर एंड जैसे ही हम अंदर आते हैं तो हमें सामने ह्यूज नंदी महाराज हैं एंड एक साइड में हमारे गणपति जी हैं एंड सामने ये देखिए हमारे नंदी महाराज, बहुत बड़ी सी नंदी महाराज की फोटो है, उनकी मूर्ति है एंड ये पूरा स्पेस है। यहाँ से हम मंदिर के अंदर एंट्री करते हैं, पूजा पाठ चालू है। यहाँ पर पुजारी जी पूजा करा रहे हैं, बीच में हमारे लिए होता है